जय श्री सीताराम। सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि एक महीने तक सूर्य देवता एक राशि में रहते हैं और सूर्य देवता की चाल की वजह से ही, सूर्य देवता की चाल के कारण ही जो महीना कैलकुलेट होता था पहले के जमाने में जब अंग्रेज नहीं हुआ करते थे। आज तो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का या 31 तारीख तक का वक्त होता है। पहले महीना जो कैलकुलेट हुआ करता था वो सूर्य देवता की चाल से ही हुआ करता था। तो ये जो सूर्य देवता है एक महीने तक अपनी एक राशि में रहते हैं, निसंदेह बहुत प्रभावकारी, बहुत ज्यादा या तो आनंद देने वाले, सफल करने वाले, या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करने वाले फल अपने पैदा करते हैं, क्योंकि सूर्य देवता आप ये कह सकते हैं कि ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और सूर्यदेव नहीं तो कुछ नहीं। तो यहां पर सूर्यदेव जो है वो 17 तारीख को, 17 जुलाई 2022 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मिथुन राशि में, हाल फिलहाल में सूर्य देवता मिथुन राशि में, 17 जुलाई के पहले सूर्य देवता मिथुन राशि में हैं। 17 जुलाई 2022 को ये मिथुन राशि से निकल करके चले जाएंगे कहाँ पर, कर्क राशि में। तो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 जुलाई 2022 से लेकर के 17 अगस्त 2022 तक, मतलब पूरा एक महीना इन्होंने कर्क राशि में रहना है और फिर उसके बाद में ये कर्क राशि से अपना राशि परिवर्तन करके जो है वो सिंह राशि में भी चले जाएंगे। सूर्य देवता का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए क्या प्रभाव, क्या फल लेकर के आया है? अलग अलग राशियों के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा, अलग 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 जो विषयों पर मैंने विश्लेषण किया है उस आधार पर विस्तार से समझाऊंगा। और बहुत गहन, मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े गहन विश्लेषण के बाद ही मैं आपके पास आता हूं। ये जो विश्लेषण मैं करता हूं, 1 या 2 दिन मुझे लग जाते हैं विश्लेषण करने में, और उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या आपके लिए राशिफल, भविष्यफल होने वाला है। ध्यान से देखिए भी और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए भाई, एक बात ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत मेहनत की, हाँ की, ठीक है, लेकिन यदि कहीं आपको खुद के बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, कोई बहुत ज्यादा परफेक्ट पर्टिकुलर जानकारी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है भाई। आपके लग्न कुंडली में, आपकी जो आपकी जो पत्रिका है, जन्म पत्रिका है ना, उसमें बहुत सारी कुंडलियां बनी हुई आपको दिखेंगी। हाँ, उसमें बहुत सारे ग्रह आपको दिखेंगे, बहुत सारे खाने दिखेंगे, बहुत सारे अलग अलग नंबर्स दिखेंगे, नक्षत्र दिखेंगे, बुरे या अच्छे योग दिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो सब चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, तो मेरे पास आपकी राशि है, मेष से मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो आपकी राशि है मेरे पास। और साथ ही साथ जो सूर्य देवता ये जो गोचर कर रहे हैं, तो मुझे ये पता है कि भाई कौन सी राशि में कर रहे हैं, तो उस राशि के आधार पर मैं आपको क्या उसका असर अपना डालेंगे। तो गोचर, यहां पर मैं गोचरों के आधार पर आपको राशिफल बता रहा हूं। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो राशिफल होते हैं केवल ग्रहों के गोचरों के आधार पर ही होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने। यदि कहीं आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिंदगी का, तो अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं और उसके बाद में ही ले, ठीक है? चलिए, लगता है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे भाई। मेष राशि सूर्य महाराज की, सूर्य देवता की उच्च राशि मानी जाती है। मित्र राशि भी है, उच्च राशि भी है। तो मेष राशि के लिए तो इस समय सूर्य देवता
बहुत बहुत मेहरबान होते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी यदि लंबे वक्त से लगना चाहते हैं, देखिए मुझे थोड़ा सा सर्दी है हाँ आज, बारिश बहुत हो रही है, पूरे देश में बारिश हो रही है, कई कई सारी जगहों पर तो मतलब आपातकाल जैसी स्थितियां हैं, हाँ देवी आपातकाल जैसी स्थितियां हैं, कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई सारे लोग, तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को जो है वो शांति मिले, दुख सहन करने की शक्ति मिले। और उसी के चलते मुझे भी थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो मेरी आवाज़ में यदि कहीं भारीपन या किसी प्रकार से कोई कुछ लगता है तो ज़रा आप उसको कंसिडर कीजिएगा। चलिए तो मेष राशि के लिए मैंने कहा कि मेहरबान होते हुए सूर्य देवता नजर आ रहे हैं, तो नौकरी लगने के योग भी यहां पर बना रहे हैं। यदि लंबे वक्त से नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे थे, नौकरी लगना चाहते थे, नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे थे, नौकरी में उन्नति आप चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, इंक्रीमेंट चाहते थे, यदि ऐसा कुछ आप चाहते थे, मेष राशि यदि आपकी है तो मुझे यहां पर बिल्कुल फायदे के योग है, उन्नति के योग दिखते हैं आपको, आगे बढ़ाने के योग यहाँ पर सूर्य देवता लेकर के आ रहे हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। सूर्य देवता का ये राशि परिवर्तन नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है मेष राशि के लिए। भौतिक सुख सुविधाएं जो होती हैं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, इनकी खरीदी आप करना चाहें कर सकते हैं, या महंगी वस्तुएं जो होती हैं है ना, उनमें भी आपका निवेश हो सकता है, और बिल्कुल अच्छा है, खरीद सकते हैं, आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं वैसा आपके साथ हो सकता है। आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा और ज्यादा मजबूत होगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, आप जो निर्णय लेंगे वो सही होगा, सटीक होगा, ये एक बात मुझे आपके साथ अच्छी बनती हुई नजर आती है। तो मैंने कहा था ना कि मेष राशि के लिए सूर्य महाराज मेहरबान है, तो ऑल सारे दृष्टिकोण से, सारे विषयों में मुझे सूर्य देवता मेष राशि के लिए अच्छे दिखते हैं, मजबूत दिखते हैं, पॉजिटिव दिखते हैं। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा भाग दौड़ से भरा हुआ यह वक्त आपके लिए हो सकता है, भाग दौड़ से भरा हुआ वक्त, मेहनत से भरा हुआ वक्त, परिश्रम से भरा हुआ वक्त और दबावों से भरा हुआ वक्त। जब हम भाग दौड़ ज्यादा करते हैं, जब हम ज्यादा परिश्रम करते हैं, तो दबाव प्रेशर आ जाता है, भाई कोई भागदौड़ या ज्यादा परिश्रम क्यों करना चाहेगा, क्यों, कौन चाहता है ज्यादा परिश्रम करो, कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता भाई, आसानी से कोई चीज यदि मिल जा रही है तो क्यों ज्यादा परिश्रम कोई करेगा। तो जब कोई ज्यादा परिश्रम करता है तो सीधा सा मतलब है उसके ऊपर प्रेशर भी आता है, दबाव भी आता है, तो हाँ आपके ऊपर दबाव भी आ सकता है। उन्नति के योग हैं, भागदौड़ है, मेहनत है, प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर को आप झेलते हैं, भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उन्नति के योग भी है, सफलता के योग भी है। तो मेरा कहना ये बनता है यदि आपकी राशि वृषभ है तो प्रेशर को झेलिए और संघर्ष कीजिए, संघर्ष आप यदि कर लेते हैं तो आपकी उन्नति आपको देखने को मिल जाएगी। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, तो मैं ये जरूर समझता हूं वृषभ राशि के लिए कि आप यदि यात्राएं टाल रहे थे, कहीं जाना है, कुछ काम करना है किसी प्रकार का, और आप यात्राएं टाल रहे थे या टालना चाह रहे हैं तो मत टालिए, कीजिए यात्राएं, ये यात्राएं आपकी सुखद होंगी। हो सकता है कहीं बाहर जाकर के डॉक्टर को दिखाने जा रहे हों, पढ़ाई के लिए किसी सिलसिले में जा रहे हो, नौकरी के सिलसिले में जा रहे हो, बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हो, पारिवारिक मुद्दों के सिलसिले में कहीं बाहर जाने का लंबे वक्त से सोच रहे हो, जाइए बाहर जाइए और मेहनत करिए या काम करिए या योजना पर चलिए, आपको
को यहाँ पर यात्राओं के द्वारा लाभ मुझे बनता हुआ मिलता हुआ नजर आता है। थोड़ी सर्दी मुझे हो गई है। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि आपके धन में वृद्धि होती है मुझे नजर आती है। भाई मिथुन राशि में सूर्य महाराज थे या 17 तारीख तक हैं, 17 जुलाई तक, और 17 जुलाई को मिथुन राशि से ही जो है वो उठ करके कहीं और जा रहे हैं, यानी कर्क राशि में जा रहे हैं। तो मिथुन राशि को क्या दे करके जा रहे हैं या क्या लेकर के जा रहे हैं? मिथुन राशि को धन में वृद्धि दे करके जा रहे हैं, और धन में वृद्धि का मतलब क्या? धन में वृद्धि का मतलब आपकी आय, इनकम बढ़े, नौकरी में आपको प्रमोशन मिले या इंक्रीमेंट मिले, या नई नौकरी लगना चाहे तो वो हो, बिजनेस यदि करते हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिले और बिजनेस भी आपका अच्छा चले, भाई तभी तो ना धन में वृद्धि होगी। तो ऐसे योग हैं। हालांकि हाँ, भागदौड़ तो खैर करवाएंगे सूर्य देवता, चूंकि जा रहे हैं तो भागना दौड़ना, प्रेशर दबाव तो आ सकता है, मेहनत ज्यादा करना हो सकता है, लेकिन 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 ये बात भी है कि आपको लाभ भी मिलेगा आपकी भागदौड़ का, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको लाभ भी मिलेगा। और बिल्कुल आप मेहनत करिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि मिथुन राशि के लिए वक्त बिल्कुल आपको फायदा दिलवाने वाला, फायदा करवाने वाला है। ठीक है, तो मिथुन राशि के लिए समय ओवरऑल मैं अच्छा कहता हूँ। हाँ, भागदौड़ मेहनत अधिक होती है, दबाव ज्यादा पड़ता है, तो टेंशन ना लें, टेंशन ले सकते हैं आप, मेंटली थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, और मेंटली परेशान हो सकते हैं तो उसकी वजह से जरा कहीं ना कहीं पारिवारिक वाद विवाद भी हो सकते हैं। तो जरा इस बात का भी ध्यान रखें, जब जब हम तनाव में या दबाव में होते हैं ना, जब हम प्रेशर में होते हैं ना, तो घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद कई बार हो जाते हैं, गुस्सा कई बार आ जाता है। तो जरा अपने गुस्से पर, अपने अपने बोलने पर, बोल चाल पर जरा कंट्रोल रखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, मिथुन राशि के बाद आप चर्चा करेंगे कर्क राशि की। भैया कर्क राशि में ही सूर्य महाराज आ रहे हैं, कर्क राशि में ही सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं, तो कर्क राशि में आ रहे हैं तो फिर क्या लेकर के आ रहे हैं या क्या लेने आ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या लेकर आ रहे हैं ये बताता हूं। धन लेकर आ रहे हैं, आय, इनकम, पैसा, धन में वृद्धि लेकर के आ रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, नौकरी लगने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, नौकरी में इंक्रीमेंट चाहने या प्रमोशन चाहने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, नई अपॉर्चुनिटीज यदि आप चाहते हैं बहुत अच्छा समय है कर्क राशि के लिए। लेकिन हाँ, कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए अच्छा समय है, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा, ईगो, क्रोध, चिढ़ भी आपके साथ, मतलब अपने साथ ये लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा इनसे बचने का प्रयास करिए, गुस्सा, क्रोध, ईगो, चिढ़, क्योंकि जब ये आती है ना तो स्वास्थ्य भी बिगड़ता है भाई, मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, और फिर पारिवारिक माहौल तो बिगड़ ही जाता है भाई। गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, चीड़ करेंगे तो क्या होगा, रिश्ते बिगड़ेंगे। तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें कि ये कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके अलावे हाँ, फिजिकल हेल्थ भी कोई खराब नहीं करेंगे, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन मेंटल हेल्थ खराब होती है तो फिर साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ भी जुड़ी हुई रहती है, तो उसमें दिक्कत कहीं ना कहीं ये दे सकते हैं, है ना, यदि आपकी राशि कर्क है तो, वाद विवाद जैसे मैंने कहा, तो उसमें भी जरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। भाई सिंह राशि सूर्य महाराज की खुद की राशि है, अपनी राशि है,
आपकी राशि सिंह जो है वो सूर्य महाराज की भी राशि है, तो सूर्य महाराज कुछ अच्छा कुछ सावधानी बरतने का संकेत लेकर के आ रहे हैं। क्या? तो स्थानांतरण के योग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाएं, स्थानांतरण हो, यात्राएं हो, यात्राओं के योग भी हैं, बिल्कुल यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं अच्छी होंगी ऐसा तो नहीं मैं कह पाऊंगा, यात्राएं यदि आप टाल सकते हैं तो आपको टालना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे समस्याएं परेशानी आपकी यात्राओं के साथ दिखती है, ये बात का ध्यान रखें। खर्च आपका जो है वो अधिक हो सकता है, अपने खर्चों पर भी जरा संयम बरतें, खर्चों पर संयम बरतें। और पेट संबंधी समस्या, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित यदि आपको समस्या पहले से है तो बढ़ सकती है या नई पैदा हो सकती है, तो इस बात का भी जरा आप ध्यान रखें यदि आपकी राशि सिंह है तो। हाँ, अच्छी बात यह है कि खर्चे तो खैर मैंने कह दिया कि भाई खराब है, प्रॉब्लम है, खर्चे होने के योग है, लेकिन आय बनेगी और बढ़ेगी। तो नौकरी लगने के योग है, बिजनेस में और आगे बढ़ने के योग हैं, प्रोफेशन में, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग हैं, नौकरी में उन्नति के योग है, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग भी मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं यदि आपकी राशि सिंह है तो। ठीक है, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि कन्या राशि के लिए तो बहुत अच्छा है, कन्या राशि के लिए सूर्य महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा राशिफल लेकर के आए हैं, नौकरी लगवाने के लिए आए हैं, नौकरी लगाएंगे, प्रतिष्ठा देंगे, सम्मान देंगे, मान देंगे। भाई सूर्य देवता मान सम्मान प्रतिष्ठा के ही कारक हैं, और जिसके कारक है वो यहाँ पर देने के लिए सूर्य महाराज आ गए। आपकी राशि कन्या है तो आपको मिलेगा सम्मान, मिलेगा सफलता, मिलेगी। भाई आप सम्मान उसी को मिलता है जिसे सफलता मिलती है, बिना सफलता के सम्मान कहाँ मिलता है, किसे मिलता है कि नहीं? तो मिलेगा सम्मान, मिलेगा सम्मान और सफलता एक दूसरे के पूरक है, ये है तो ये है, ये है तो ये है ना, तो सफलता और सम्मान दोनों है। उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं सफलता के साथ होंगी, यात्राओं को जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं और करते रहें, यात्राएं आपको सफल बनवाने बनाने वाली होंगी। तो मैं बहुत अच्छा देखता हूं कन्या राशि के लिए, इस समय को बहुत अच्छा देखता हूं, सूर्य देवता बस तोहफे उपहार देने के लिए आ रहे हैं, आप ये समझिए। तो इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए यदि आपकी राशि कन्या है तो। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहूंगा, तुला राशि के लिए मिला जुला रहेगा ये समय। तुला राशि वैसे सूर्य महाराज की नीच राशि होती है, खैर आप अभी तक जब जितना मैं राशिफल आपको बताता हूँ उस आधार पर आप ये तो समझ गए कि स्वराशि हो या नीच राशि हो या शत्रु राशि हो या कैसी भी उच्च राशि हो, आप उसके आधार पर कोई ग्रह अपने फल नहीं देते हैं, गोचरों में, गोचरों में अलग अलग फल अलग अलग बातों पर निर्भर करते हैं। तो तुला राशि नीच राशि है लेकिन यहाँ पर सफलताएं लेकर के आ रहे हैं सूर्य देवता, तुला राशि के लिए सफलता के योग यहाँ पर बना रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं, और ज्यादा मजबूत बनने के योग बना रहे हैं, और ज्यादा सिखाने के योग, मतलब और ज्यादा चीजें आप सीखें, ऐसे योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं यदि राशि तुला है तो। हाँ, एक चीज जरूर है कि कहीं ना कहीं मन में गुस्सा, क्रोध, तनाव, डायलेमा, कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी रह सकती है, ये एक चीज है। तो इस बात से जरा बचे कि गुस्सा या चीड़ या तनाव या कंफ्यूजन ना हो या कम हो, इस बात से थोड़ा बचने का प्रयास करिए। दबाव, प्रेशर आपको जो है वो ज्यादा बन सकता है, चिंता, तनाव ये भी आपको ज्यादा बन सकता है, इससे जरा बचने का प्रयास करिए, बाकी तो अच्छा है। ठीक है,
तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि भाई भाग्य को बढ़ाने के लिए सूर्य महाराज आ रहे हैं, भाग्य वृद्धि करने के लिए आ रहे हैं। अब भाग्य वृद्धि का मतलब मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप जो भी कार्य करते हैं या करना चाहते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले या उन्नति मिले। भाई भाग्य वृद्धि इसी को तो कहते हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं करना चाहते हैं उसमें आप और आगे बढ़ें और उन्नति हासिल करें। तो सूर्यदेव जो है वो निसंदेह वृश्चिक राशि को और आगे बढ़ाने वाले और उन्नति करवाने वाले और आपके क्षेत्रों को, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों को, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सभी को स्मूथ और ज्यादा खुशनुमा बनाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्योदय कारक ये समय है, भाग्य वृद्धि कारक ये समय है। आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी कार्य आप करते हैं या करना चाहते हैं उन सारे कार्यों में मेहनत और डबल कर दीजिए। यदि आप यंग, जैसे आप स्टूडेंट हैं, यदि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, है ना, नौकरी में कुछ प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, कोई आपका लक्ष्य है, मेहनत डबल कर दीजिए। डबल इसलिए कर दीजिए क्योंकि देखिए भाग्य हर समय हर किसी का साथ नहीं देता। कोई कोई सा समय होता है जब भाग्य हमारा साथ देता है, तो ये वक्त भाग्य से साथ दिलवाने वाला है। तो भी मेहनत अपनी बढ़ा दीजिए। आपकी मेहनत ज्यादा बढ़ेगी तो चूंकि भाग्य बढ़ा हुआ है तो और बढ़े हुए ही फल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना भाई। मेरा तो यही फॉर्मूला है कि जब आपका भाग्य अच्छा हो तो ज्यादा मेहनत करो, और जब भाग्य अच्छा नहीं हो तो मेहनत तब भी करो, लेकिन बहुत ज्यादा इतने मत टूट जाओ या इतनी ज्यादा मेहनत मत करो कि निराशा आ जाए। भाग्य अच्छा हो तब ज्यादा मेहनत करो, और जब भाग्य अच्छा नहीं हो तो कई बार हमें बैठना भी पड़ता है, रुकना भी पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना, शेर जो है वो जब शिकार अपना शिकार करने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे जा रहा है, वो छलांग बनाने के लिए एक पोजीशन ले रहा है। तो कई बार पीछे भी जाना पड़ता है, कई बार बैठना भी पड़ता है, कई बार रुकना भी पड़ता है, लेकिन वो कब होगा, वो तब जब कुछ मुश्किलात है, लेकिन जब सब अच्छा ही अच्छा है तो फिर क्या मतलब है। तो ये वक्त आपके लिए, मुझे वृश्चिक राशि के लिए अच्छा दिखता है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि पेट संबंधी समस्या आपको जो है वो हो सकती है, पेट संबंधी, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक से संबंधित समस्या आपको यहाँ पर तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा धनु राशि के। सरदर्द भी हो सकता है ना, और आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है, आप बोले अच्छा और समझ लिया गया बुरा, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें जरा। अच्छा, यदि कहीं माइग्रेन जैसी कोई समस्या है, न्यूरोलॉजिकल कोई समस्या आपको है, तो उसका भी ध्यान रखना है। इस बीच में वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। वाद विवाद खैर ये खासतौर पर आपके परिवार के साथ ना होकर के ऐसे लोगों के साथ हो जो दूर के हैं। जैसे कई बार होता है ना कि संपत्ति को लेकर के पिताजी का वाद विवाद किसी से चल रहा है, तो आप भी उस वाद विवाद में आ गए, तो ठीक है, ये आपका फर्ज है। आपके देश को किसी ने गलत बोल दिया, आपके परिवार, आपके धर्म को किसी ने गलत बोल दिया, तो आप उस वाद विवाद में आ गए, तो ठीक है, ये सही है। तो इस प्रकार से कोई वाद विवाद हो सकता है। चलिए धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। अब मकर राशि के लिए मैं ये बात कहूंगा, जो वाद विवाद मैंने कहा ना, वो यहाँ पर मकर राशि के लिए कहूंगा कि पति पत्नी वाद विवाद हो सकता है, या अच्छे मित्रों के साथ वाद विवाद हो सकता है, या प्रेम प्रसंग में वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान रखें, मकर राशि वाले ये वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो सकता है, गुस्सा भी आपको ज्यादा आ सकता है, क्रोध भी आपको ज्यादा आ सकता है। हालांकि हाँ, एक बात यह है कि बाहर बात करें, जैसे घर में तो मतभेद आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन बाहर बात करें, बाहर मतलब आप जहाँ नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, पढ़ाई करते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर आपकी प्रतिष्ठा होगी, सम्मान होगा, मान होगा, समाज है तो वहां पर आपका मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, आपको वाहवाही मिलेगी, ये एक अच्छी बात।
तो थोड़ा सा घर में वाद विवाद को थोड़ा कंट्रोल करें। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करें, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि आप पेट की समस्या मुझे यहां पर दिखती है, डाइजेस्ट ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या मुझे दिखती है, तो जरा इसका ध्यान रखें। खर्च आपका ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। वाद विवाद की स्थितियां भी मुझे बनती हुई नजर आती है, हाँ तो वाद विवाद भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो उनसे भी बचिए। स्थानांतरण या यात्राओं के योग भी हैं, या यात्राएं आपका खर्च ज्यादा करवाए या आपको बीमार करें, तो यात्राएं यदि आप टाल सकते तो टाल दीजिए, ठीक है ना। यात्राएं टाली जाना चाहिए इस समय। फिजूल रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर मार्केट में भूमि में कहीं पैसा नहीं लगाना है, तो इस बात का भी जरा ध्यान रखें। कुंभ राशि यदि आपकी है तो ठीक है ना। चलिए कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली बात करेंगे। मीन राशि के लिए कहूंगा कि आय में, धन में, इनकम में, पैसों में वृद्धि होती हुई नजर आती है। आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, भाई आय कहां से होती है, तो नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, प्रोफेशनल होंगे, वहीं से आय होती है, तो इसमें मुझे आपकी वृद्धि होती हुई नजर आती है। आय में वृद्धि हुई मतलब आपकी उन्नति हुई, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात नहीं है, वो ये कि खर्च भी ज्यादा होगा, तो अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें। फिजूल खर्च हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतना है, और गुस्सा, वाद विवाद की स्थितियां भी आपके साथ निर्मित हो सकती है, तो अपने गुस्से पर, अपने वाद विवाद पर भी जरा संयम बरतें। यात्राएं हैं और सफलता के योग हैं, ये वक्त आपको सफलता दिलवाएगा। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको बिल्कुल आगे बढ़ाएगा। किसी न किसी उद्देश्य से, देखें मेरा कहना हमेशा यही होता है कि आप यात्राएं जब करते हैं तो कोई ना कोई आपका उद्देश्य होता है, किसी न किसी उद्देश्य से आप यात्रा करते हैं, निरुद्देश्य तो कोई यात्रा नहीं करता। परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं तो भाई परिवार के साथ और ज्यादा मजबूती या और ज्यादा करीबी बढ़ाने जा रहे हैं, है ना, या इंजॉय करने जा रहे हैं, तो इंजॉय उद्देश्य हो सकता है। अकेले जा रहे हैं, शांति उद्देश्य हो सकता है। नौकरी के उद्देश्य से जा रहे होंगे, पढ़ाई के उद्देश्य से जा रहे होंगे, डॉक्टर को दिखाने जा रहे होंगे, तो जिस भी उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं, मीन राशि यदि आपकी है तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है और सफलता दिलवाने वाला है और आपको बिल्कुल आगे बढ़ाने वाला है। आप बिल्कुल आप यात्रा कर भी सकते हैं और इस समय बहुत मेहनत करिए। खास तौर पर मैं कहूंगा यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको खास तौर पर यहाँ पर मेहनत ज्यादा करनी है, और मेहनत अधिक करिए और बिल्कुल सफल बनिए, ठीक है। अच्छा, मुझसे ये कहा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अब मैं वास्तु पर भी कुछ सिखाऊं, कुछ बताऊं, न्यूमरोलॉजी पर भी कुछ सिखाऊं, कुछ बताऊं। अभी तक मैं सोच रहा था कि इस प्रश्न को मैं टाले जा रहा था बहुत लंबे वक्त से, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी मैंने सिखाई, अब वास्तु और न्यूमरोलॉजी भी मुझे सिखानी चाहिए। तो पहले मैं क्या सिखाऊं, न्यूमरोलॉजी या फिर वास्तु, इसके बारे में बताएं आप। मैं सोच रहा हूं कि न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे पहले बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। वैसे तो वास्तु भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक अंग है, लेकिन वास्तु के लिए पता है क्या होता है कि प्रैक्टिकल जगहों को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वास्तु भाई दीवारें हैं, है ना, दिशाएं हैं, तो प्रैक्टिकली 3D, मेरा मानना है कि कोई 3D, 4D, 5D ऐसे कुछ डायमेंशन के साथ यदि हम देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। फिर भी बोर्ड पर बताया जा सकता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कोई 3D, 4D वाली तो जरूरत होती नहीं है, बोर्ड पर थोड़ा सा बता दिया कि समझ में आ जाता है। तो न्यूमरोलॉजी को लेकर के मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस शुरू करूँ। अभी फ़िलहाल तो फ्री क्लासेस हैं, ऐसे कोई पेड क्लासेस फ़िलहाल नहीं है,
बताइएगा कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का ये वीडियो देखा, सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का, सूर्यदेव के कर्क राशि में प्रवेश होने का, 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये जो महीना है, ये आपके लिए कैसा जाएगा, ये मैंने आपको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ एपिसोड्स में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।